हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। सो ब्रेन किस में इंक्लूडेड है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टू ऑर्गन्स आते हैं, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। सो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं ब्रेन के बारे में और ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। सो सबसे पहले ब्रेन होता क्या है? ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन है। ब्रेन स्कल बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। सो ये है ब्रेन का डायग्राम। सो ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट है? स्कल बोन के अंदर। सो यहाँ तक ब्रेन प्रेजेंट है एंड नीचे ये ग्रीन कलर की क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद स्पाइनल कॉर्ड बिलो। सो ब्रेन हमारा स्कल बोन में सिचुएटेड है, प्रेजेंट है एंड ब्रेन हमारा ऑलमोस्ट एवरीथिंग हमारी बॉडी की कंट्रोल करता है। सो ब्रेन का फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी की एवरी एक्टिविटी को ब्रेन कंट्रोल करता है। सो ब्रेन टू इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। सो कंट्रोल क्या करता है? हमारी बॉडी के मूवमेंट्स, फीलिंग्स, थॉट्स, मेमोरी, एक्शंस, वॉकिंग, स्पीकिंग, सब कुछ ही क्या कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। एंड कोऑर्डिनेट क्या करता है कि ये सेंसरी सिग्नल को रिसीव करता है। सेंसरी सिग्नल यानी कुछ चीज़ मैंने टच की, सो मुझे पता चला कि ये गर्म है, ठंडी है या चुभने वाली है, कैसी चीज़ है। सो ये सब ब्रेन क्या करता है? सेंस करता है, मीन सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। सो सेंसरी सिग्नल रिसीव करता है हमारे सेंसेस के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, कि एटमॉस्फेयर कैसा है, स्मेल कैसी आ रही है, टेस्ट कैसा है, टच कैसा है। सो ये सब सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है कि आगे एक्शन कौन सा परफॉर्म करना है। ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक्शन भेजता है, यानी मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मोटर नर्व्स भेजता है, मोटर इंपल्सेस या मोटर सिग्नल्स भेजता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी एक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि मैंने एक गर्म चीज़ को टच किया, सो सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन तक गए, ब्रेन ने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया मोटर न्यूरॉन के थ्रू। सो दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स। सो आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। सो ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं मेनली, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन का अनदर नेम क्या है? प्रोसेन्सेफलोन। मिड ब्रेन का अनदर नेम क्या है? मेसेन्सेफलोन। एंड हाइंड ब्रेन का अनदर नेम क्या है? रोम्बेन्सेफलोन। सो सबसे पहले ये डायग्राम में जो मैंने ब्लैक से दिखाया हुआ है, ये ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक, ये क्या है? फोर ब्रेन। ये मिड ब्रेन छोटा सा बीच में पार्ट, ये क्या है? मिड ब्रेन रेड कलर का। एंड ये ब्लू कलर का, ये क्या है? हाइंड ब्रेन। सो सबसे पहले फोर ब्रेन जिसको प्रोसेन्सेफलोन कहते हैं, इसके फर्दर टू पार्ट्स है, टेलेन्सेफलोन एंड डायन्सेफलोन। सो टेलेन्सेफलोन में फर्स्ट क्या आता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स क्या है? सेरिब्रम जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, उसके दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, उसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो कि फोर ब्रेन में आता है। ये 80% ब्रेन को कवर करता है। देन आता है बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, एमिगडलॉइड न्यूक्लियस। डायन्सेफलोन में क्या आता है? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब मिड ब्रेन जिसको मेसेन्सेफलोन कहते हैं, ये छोटा सा है, रेड कलर का पार्ट है। अब हाइंड ब्रेन जिसको रोम्बेन्सेफलोन कहते हैं, इसमें क्या आता है? पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगाटा। सो जो सेरिबेलम है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सेरिबेलम ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। अब ब्रेन स्टेम क्या है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम, एक्सेप्ट सेरिबेलम। सो सेरिबेलम नहीं आता ब्रेन स्टेम में, क्या आता है? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगाटा। सो मेडुला ओब्लोंगाटा, पोन्स और मिड ब्रेन क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। सो ये वाला पार्ट, ये है मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। सो ये वाला पार्ट एक स्टेम जैसा लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। नाउ जो फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं, इनको मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। सबसे पहले है सेरिब्रम। सो सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का, 80% ब्रेन को सेरिब्रम कवर करता है। इसके टू हेमिस्फीयर्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। सो ये है सेरिब्रम, इसके टू हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो इसके सेरिब्रम के सेंटर में होता है कॉर्पस कैलोसम, जो कि व्हाइट मैटर से बना होता है। कॉर्पस कैलोसम दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है। सो लार्जेस्ट पार्ट है लोकेटेड इन फ्रंट एंड सेंटर ऑफ द ब्रेन। सो ये फ्रंट में और सेंटर में ब्रेन के लोकेटेड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? सेरिब्रम का परफॉर्म हायर फंक्शन, जो भी हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस है वो सेरिब्रम परफॉर्म करता है, जैसे कि इंटरप्रेटिंग टच, विजन, हियरिंग, स्पीच। इंटरप्रेट करना इंफॉर्मेशन को कि इस चीज़ को हमने टच किया तो ये क्या है,
हमने क्या स्मेल किया है, हमने क्या देखा है या क्या सुना है. सो इन सब चीज़ों को इंटरप्रेट करना किसका काम है, सेरिब्रम का. देन रीजनिंग, रीजनिंग यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सब कहाँ पर होता है, सेरिब्रम में. देन इमोशंस, लर्निंग, कुछ लर्न करना, या फिर फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, फाइन कंट्रोल करना, जैसे कि पेन पकड़ना. सो एक फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट है. सो ये सब कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम. देन हमारा आता है थैलेमस. थैलेमस भी फोरब्रेन का पार्ट है. ये क्या है, लोकेटेड एट टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम. सो ये है हमारी ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के टॉप पर लोकेटेड है, ये है हमारा थैलेमस. सो थैलेमस रिसीव्स ऑल द सेंसेस एक्सेप्ट स्मेल. ये सारे सेंसेस को रिसीव करता है, थैलेमस सभी सेंसेस को रिसीव करके, लेकिन स्मेल सेंस को छोड़कर कहाँ भेजता है, फॉरवर्ड्स इट टू अदर एरियाज ऑफ ब्रेन. सो थैलेमस रिसीव करता है सारी इंफॉर्मेशन को, सारे सेंसेस को, और ब्रेन तक फॉरवर्ड कर देता है. और ये क्या करता है, रेगुलेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. सो कॉन्शियसनेस के लेवल को रेगुलेट करता है कि हम कॉन्शियस कैसे रह सकते हैं, कॉन्शियस हैं या नहीं है. सो अगर थैलेमस डैमेज हुआ, सो एक पर्सन, एक ह्यूमन बींग कोमा में भी जा सकता है. मैनेज मोटर एंड कॉग्निटिव फंक्शन, हमारे कुछ मोटर मूवमेंट्स यानी चलना फिरना मूवमेंट्स, एंड कॉग्निटिव फंक्शन. कॉग्निटिव फंक्शन यानी हमारे थिंकिंग स्किल्स, इंटेलिजेंट स्किल्स, ये भी कौन कंट्रोल करता है, थैलेमस. देन आता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस नाम से क्लियर है, थैलेमस के नीचे. सो ये है हाइपोथैलेमस जो कि थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है. सो हाइपोथैलेमस का क्या काम है, रेगुलेट स्लीप, स्लीप, हंगर और बॉडी टेम्परेचर. इसका मेन फंक्शन क्या है, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करना, हंगर को कंट्रोल करना और बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना बाय सेंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स. हाइपोथैलेमस क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस भेजता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को. सो पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन सिस्टम का ऑर्गन है. सो इसलिए हाइपोथैलेमस एक लिंक बना रहा है किसके बीच में, ब्रेन के बीच में और एंडोक्राइन सिस्टम में. सो हाइपोथैलेमस इंस्ट्रक्शन भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि हाइपोथैलेमस की एक स्टॉक के साथ अटैच है. पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ पर छोटा सा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको ये इंस्ट्रक्शंस भेजता है कि हॉर्मोन्स सेंड करे. सो हॉर्मोन सेंड करवा कर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये क्या करता है, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के इन फंक्शंस को कंट्रोल करता है. देन है हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला. सो हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला बहुत ही छोटे छोटे हैं, ये यहाँ पर लोकेटेड है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में. सो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, मेमोरी और लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है. कोई भी चीज़ याद रखनी है, कितने लंबे समय तक याद रखनी है, मेमोरी और लर्निंग हिप्पोकैम्पस कंट्रोल कर रहा है. एमिग्डाला क्या कर रहा है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट है फियर. सो फियर को कौन कंट्रोल करता है, एमिग्डाला. उसके अलावा मेमोरी को भी और सेक्सुअल डिजायर को भी ट्रिगर करता है एमिग्डाला. देन आता है हमारा ब्रेन स्टेम. सो ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगाटा. सो मिड ब्रेन हमारा मिड ब्रेन है, मेसेंसेफलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं. सो हमारी जो ब्रेन स्टेम है किससे बनी है, मिड ब्रेन, ये रेड वाला पोर्शन, पोन्स एंड मेडुला. सो ब्रेन स्टेम किसके बीच में प्रेजेंट है, कहाँ लोकेटेड है, फोरब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में. अब ब्रेन स्टेम का काम क्या है, रिलेज सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड मैनेजेस बेसिक इनवॉलंटरी फंक्शन. सो रिले सिग्नल का क्या मतलब है, कि स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है वो किसका काम है, ब्रेन स्टेम का, वहाँ तक पहुँचाना, मीन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को वहाँ तक पहुँचाना. एंड जो मोटर इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेन से बाकी पार्ट्स, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, वहाँ तक लेकर जाना. सो ये जो ब्रेन स्टेम है ये इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज या इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने का काम करती है. इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक लेकर जाती है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर आती है. सो रिलेज सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड मैनेजेस बेसिक इन्वॉल्यूंट्री फंक्शन. जो बेसिक इन्वॉल्यूंट्री फंक्शंस है, इन्वॉल्यूंट्री फंक्शंस जो हमारे विल में नहीं है, अपने आप हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, हमारी ब्रेन स्टेम की वजह से. अब जैसे कि पोन्स, पोन्स का क्या काम है, ब्रीदिंग रिदम्स. सो जो रिदम है ब्रीदिंग की उसको मेंटेन करके रखना. मेडुला का क्या काम है, मेडुला रेस्पिरेशन को, सर्कुलेशन जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन इसको कंट्रोल करता है, प्लस कुछ रिफ्लेक्सेस जैसे कि स्वेलोइंग, कफिंग एंड स्नीजिंग, इन रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है. जो हमारा मिड ब्रेन है इसका क्या काम है, विजन और हियरिंग को कंट्रोल करना प्लस मोटर कंट्रोल करना. सो जो भी हमारे मूवमेंट्स हैं उनको भी मिड ब्रेन कंट्रोल करने का काम करता है. अब है सेरिबेलम. सेरिबेलम भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है. सेरिबेलम लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का.
सो दिस इज सेरिबेलम, ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है सेरिबेलम की, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? सिट्स बिलो द ऑसिपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम. सो सेरिब्रम का ऑसिपिटल लोब के नीचे, उसके बिलो ये प्रेजेंट है सेरिबेलम. सो सेरिबेलम हाइंड पार्ट में आता है ब्रेन के, इसलिए ये हाइंड पार्ट में सेरिबेलम इंक्लूडेड है. मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस, इसका मेन फंक्शन क्या है सेरिबेलम का, कि ये पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी का. सो ये कैसे मेंटेन करता है? सेरिबेलम सेंड सिग्नल्स टू सेरिब्रम. सबसे पहले सेरिबेलम रिसीव करता है सिग्नल्स को कि हमारी बॉडी एक स्टेडी पोस्चर में, मतलब सही पोस्चर में नहीं है, गिरने वाली है, या फिर कोई उसमें मूवमेंट में चेंज है पोस्चर में. सो ये सिग्नल सेरिब्रम को सेंड करेगा, इंडिकेटिंग मसल मूवमेंट्स दैट विल एडजस्ट अवर पोजिशन. सो सेरिब्रम क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, इंटरप्रेट करेगा एंड देन सेरिबेलम तक पहुंचाएगा. एंड देन हमारी जो मसल मूवमेंट है, मींस हमारा जो पोस्चर है बॉडी का मूवमेंट, बॉडी का जो एग्जैक्ट पोस्चर और बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, स्टेडी पोस्चर देन मेंटेन होता है, हमारी बॉडी की पोजीशन मेंटेन होती है. अगर आपको ये वीडियो समझ आई सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल. ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.